व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम लोग बात करेंगे झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर के रिजल्ट के बारे में एंड काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो रिजल्ट बेसिकली का रिजल्ट का नोटिस आ चुका है। ठीक है, स्क्रीन पर ये नोटिस पढ़ सकते हैं एंड ये ऑफिशियली नोटिस आपको टेलीग्राम पर भी देखने को मिल जाएगा एंड टेलीग्राम के अलावा आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब नीचे स्लाइड डाउन करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट ये तो है, देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एग्रीकल्चर एंड अदर एलीट कोर्स, ये फर्स्ट राउंड का है। ठीक है, और आंसर की का यहाँ पर देख सकते हो वेबसाइट पर दिनांक 5 दिसंबर 2022 को और दिनांक 8 दिसंबर 2022 के अपराह 5 बजे परीक्षार्थियों से आपत्ति आमंत्रित किए थे। अच्छा, ये ठीक है, जो रिजल्ट है ना बेसिकली ओमर सीट के स्कैन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जैसे 24/12/2022 से डाउनलोड किया जा सकेगा। ठीक है, मतलब कि आज 5 बजे शाम से, आज 24 दिसंबर है, सॉरी 23 दिसंबर आज, और 24 दिसंबर को परीक्षा फल मतलब कि आंसर आपको देखने को मिल सकता है। ये आंसर की कल आपको देखने को मिलेगा एंड कल से ही काउंसलिंग भी स्टार्ट है। काउंसलिंग का डेट देख सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब है? 24 से 30 दिसंबर। ठीक है, 6 दिन का टाइम मिला आपको, 6 दिन के अंदर आपको काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है। एंड बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर भी आके बोलते हैं दैट कट ऑफ कितनी होगी, कट ऑफ कितनी होगी, तो ये डिपेंड करता है दैट कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे एंड कितने स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है, बट हाँ एवरेज हम लोग पता कर सकते हैं दैट जनरल का कितना हो सकता है, ओबीसी का कितना हो सकता है एंड एससी एसटी का कितना हो सकता है। ठीक है, तो वो रिजल्ट आने के बाद मैं बता दूंगा दैट कितना कट ऑफ जा रहा है। ठीक, और फुल कन्फर्मेशन आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों को भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है एंड ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना है हमारे थ्रू, तो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ देख सकते हो एडिशन इन फील्ड ऑफ चॉइस। ठीक है, फील्ड ऑफ चॉइस जो भी आपने चुना है उसको एडिट करना चाहते हो तो 31 दिसंबर को कर सकते हो। एंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर कब आएगा? 4 जनवरी 2023 और 10 जनवरी 2023। ठीक है, मतलब कि 5 दिन का टाइम मिला, 4 जनवरी से 10 मतलब कि 6 दिन का टाइम मिला आपको, उसके बीच आपको एडमिशन भी लेने हैं। ठीक है, 6 दिन के अंदर एडमिशन लेने, अगर आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाता है देन आपको एडमिशन भी लेने हैं यही 6 दिन के अंदर। तो बेसिकली ये काउंसलिंग का डिटेल था दैट 24 से 30 तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और 4 से 10 के बीच एडमिशन लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर का आ गया है। अभी नीचे सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का नोटिस एक बार ही इन लोगों ने दे रखे हैं। सेकेंड राउंड का देख सकते हो 13 से 16 मतलब कि 3 दिन के बीच, 13 जनवरी से 16 जनवरी के बीच पार्टिसिपेट करना है और 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच एडमिशन लेने हैं। ठीक है, यही है सेकेंड राउंड काउंसलिंग का डिटेल। अभी थर्ड राउंड का यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, बट यस थर्ड राउंड भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर फी मेंशन है दैट कितने फ़ी लगेंगे काउंसलिंग का, 400 एंड 250, 250 गर्ल्स के लिए, SC ST के लिए। ठीक है, SC ST के लिए और गर्ल्स के लिए 250 रुपीज़ एंड बॉयज़ के लिए 400 रुपीज़ फॉर जनरल OBC एंड EWS। ठीक है, तो इस तरीके से फी चार्टर्ड भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, कि कितना फ़ी लगने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा एंड कोई सा भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई और अगली वीडियो में, देन बाय।